नमस्कार दोस्तों, विकास एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक का नाम क्या है? नोबेल पुरस्कार 2020। जैसा कि हम जानते हैं कि हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि 10 दिसंबर को इसकी वितरण किया जाता है, उसकी घोषणा अक्टूबर महीने में की जाती है। तो हमारे नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। आज चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है, तो हम आप के लिए यह वीडियो लेकर आ रहे हैं। यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि यह पुरस्कार हर एक एग्जाम में पूछे जाती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1901 में, जो स्वीडन शहर के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, उनके द्वारा 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये हमारा नोबेल पुरस्कार कितने 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नंबर 1 साहित्य, नंबर 2 शांति, नंबर 3 अर्थशास्त्र, नंबर 4 भौतिक शास्त्र, नंबर 5 रसायन शास्त्र और नंबर 6 चिकित्सा। यानी 6 क्षेत्रों में ये हर वर्ष अक्टूबर माह में इनकी घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। इसमें पुरस्कार राशि की बात करते हैं, तो जो हमारे वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल थे, उनके जीवन भर की जो कमाई है वो स्वीडिश बैंक में जमा कर दी गई थी। उस पर जो ब्याज मिलता है वो राशि हर वर्ष इन वैज्ञानिकों को दी जाती है। इसमें अधिकतम 3 वैज्ञानिकों, जैसे हमारे ये 6 क्षेत्र हैं, तो इन 6 क्षेत्रों में से हर एक क्षेत्र में या तो 3 अधिक से अधिक 3 वैज्ञानिकों को या तो संयुक्त रूप से दी जाती है, या 2 को या 1 को आधी और बाकी 2 में आधी आधी बांटती जाती है। तो इस बार भी ऐसा ही किया गया है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार है वो 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो चलिए हम जानते हैं वो 3 वैज्ञानिक कौन है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो हेपेटाइटिस सी। जैसा कि अपन जानते हैं हेपेटाइटिस बीमारी होती है, इसे हिंदी में हम देसी भाषा इसको पीलिया के नाम से जानते हैं। तो जो हेपेटाइटिस सी जो वायरस था, उसकी खोज करने के लिए अमेरिका के अमेरिका के 3 वैज्ञानिक थे, उन 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार किसका है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। अब प्रश्न, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 किस वैज्ञानिक को दिया गया है? नंबर 1 हार्विच अल्टर, नंबर 2 चार्ल्स एम राइस, नंबर 3 माइकल हाफ्टन, या नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। यानी जो पुरस्कार दिया गया चिकित्सा का, वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन सी बात करते हैं? वो 3 वैज्ञानिक हार्विच अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हाफ्टन, इन 3 को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ? उपरोक्त सभी। आप चाहें तो इन 3 की तस्वीर भी देख सकते हैं। यह 3 वैज्ञानिक हैं, इनको संयुक्त रूप से इस वर्ष का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये देखो, ये 3 वैज्ञानिक हैं जो जे हार्वे जे अल्टर हैं, ये माइकल हाफ्टन है और ये चार्ल्स एम राइस है। ये 3 वैज्ञानिक कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ये अपने 3 वैज्ञानिक कहाँ के? अमेरिका के हैं। अमेरिका के रहने वाले 3 वैज्ञानिकों को एक साथ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये हेपेटाइटिस सी वायरस है, उसकी खोज करने के लिए यह पुरस्कार इस वर्ष 3 लोगों को दिया गया है। इन 3 को संयुक्त रूप से क्या इन 3 को संयुक्त रूप से दिया गया है? 3 में संयुक्त रूप से राशि वितरित की गई है। तो दोस्तों, ये थे हमारे नोबेल पुरस्कार चिकित्सा संबंधित। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और इस पर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि अगले नोबेल पुरस्कार जो मिलने वाले हैं उनकी वीडियो भी हम आपके लिए लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।